बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो आ रही है गुना से, जहां आशा कार्यकर्ता से छेड़छाड़ हुई है। जननी एक्सप्रेस के चालक ने छेड़छाड़ की है, आरोपी राजेश विजोले मौके से फरार है। कैंट थाने पहुंची आशा कार्यकर्ताओं ने पल्स पोलियो दवा न पिलाने का ऐलान किया है। गुना में आशा कार्यकर्ता से छेड़छाड़ हुई है, जननी एक्सप्रेस के चालक ने छेड़छाड़ की है, आरोपी राजेश विजोले मौके से फरार है। कैंट थाने आशा कार्यकर्ता पहुंची हैं, आशा कार्यकर्ताओं ने पल्स पोलियो दवा न पिलाने का ऐलान किया है। गुना में आशा कार्यकर्ता से छेड़छाड़ हुई है, जननी एक्सप्रेस के चालक ने छेड़छाड़ की है, आरोपी राजेश विजोले मौके से फरार है। आशा कार्यकर्ता कैंट थाने पहुंची, आशा कार्यकर्ताओं ने पल्स पोलियो दवा न पिलाने का ऐलान किया है। हमारे सहयोगी प्रदीप फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रदीप, आशा कार्यकर्ता से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? मयंक जी, मैं आपके लिए बता दूं, यहाँ पर आशा कार्यकर्ता डिलीवरी किरण महिला को लेकर जननी एक्सप्रेस में जा रही थी, वहीं ड्राइवर के साथ उनके साथ अपहरण की गई है और वहीं से ड्राइवर फरार भी हो गया। वहाँ आशा कार्यकर्ता थाने जब पहुंची तो उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई, तो आशा कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर धरना स्थल पर ऐलान किया है कि हम पल्स पोलियो की दवाई नहीं पिलाएंगे। जी भाई, पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्यों रिपोर्ट नहीं लिखी गई, क्या कुछ कार्रवाई अब की जाएगी इस मामले पर? जी, ये तो पुलिस ही जाने क्यों कार्रवाई नहीं की। आशा कार्यकर्ता जबकि वहाँ पर दो बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई है।